Good morning all of you. Today is our lecture number 14 and the chapter name is geometric progression. Aaj ka jo topic hai hamara, that is our most important topic and most easy topic. That is the topic name is geometric mean. Geometric mean hota kya hai? Dekhiye geometric mean jaise hamara arithmetic mean tha. AP mein hum usko use karte the, means AP mein aapka arithmetic mean nikalte the aur geometric progression mein kya nikalenge hum geometric mean. Geometric mean jo hamara basically agar two numbers ke beech mein nikala jaye मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. अगर कोई दो नंबर गिवन है और उनके बीच में क्या निकाला जाए, ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, तो वो क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ ए इंटू बी. क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ ए इंटू बी. अगर इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए किन तीन नंबर्स के बीच में, ए बी एंड सी, तीन नंबर के बीच में, तो वो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी. ठीक है जी. इसी तरह इन अ सेम वे अगर हमारे पास एन नंबर है, एन नंबर अगर हमारे पास दे रखे हैं या एन टर्म्स है हमारे पास, अगर उनके बीच में आपने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, तो वो क्या होगा, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर. ठीक है जी, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर. मीन्स एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिक मीन हो वो क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर के बीच में वो निकाल रहे हैं. अगर दो नंबर के बीच में निकाल रहे हैं देन द स्केयर रूट ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट. अगर तीन नंबर के बीच में निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट ऑफ, ये तो हाई लेवल का होगा, जो हमारे तो वैसे बेसिकली जो यूज होगा वो स्केयर तक होगा. बट क्यूब, फोर रूट, फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट तक निकालने से क्या होता है, वो आ गया आपका हायर लेवल का. ठीक है, क्यूब रूट मीन्स तीन नंबर के बीच का निकालेंगे तो क्यूब रूट लेंगे. क्यूब रूट किसका, उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट का. उसी तरह अगर एन नंबर आपको गिवन है और उनके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, तो वो क्या होगा, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ That n numbers. Clear? अगर वो n numbers क्या हैं, a1, a2, a3, a4 up to so on an तक, तो उनका product और उनके ऊपर कौन सा लग जाएगा root आपके पास, nth. Is that clear? तो ये था आपके पास geometric mean. चलिए ये तो देखिए हमारा जो basic use होगा इसमें, तो जो हमारा basic use होगा, basic मतलब जो आपके topic या आपके concept या आपके book से related है, वो आपका सिर्फ two numbers तक का है. ठीक है, टू नंबर के अंदर कितने आपके ज्योमेट्रिक मीन डल रहे हैं वो अलग डिपेंड करता है, बल्कि थ्री फोर फाइव अप टू सेवन एंड तक जितने भी नंबर्स का है वो आपका हायर लेवल का आ गया. तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन नाइन एंड फोर, अगर मुझे नौ और चार के बीच में क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो वो क्या होगा, दो नंबर है तो स्केयर रूट लेंगे. स्केयर रूट मतलब किसका, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है, अंडर रूट ऑफ 36. क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है. मींस ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 4 कितना होगा आपका, 6 होगा. इज दैट क्लियर. अब इसी तरह ये तो थे दोनों नंबर जिनका साइन सेम है और मतलब प्लस का साइन है, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन माइनस के 9 एंड माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 9 और माइनस के 4, तो यहां ध्यान रखिए मल्टीप्लाई आप वैसे ही करेंगे, माइनस 9 इंटू माइनस 4. ठीक है, स्केयर रूट भी आपका पॉजिटिव आएगा, बट जब आप स्केयर रूट लेके आंसर लेंगे तो वो क्या बनेगा, माइनस 6, क्योंकि यहां दोनों का साइन. और एक और चीज, जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे किन्हीं दो नंबर के बीच में, तो उन दोनों का साइन सेम होना कंपल्सरी है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है. अगर वो प्लस का है तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आएगा उसमें प्लस लगाइए, अगर उन दोनों का साइन मतलब नेगेटिव है, दोनों का सेम नेगेटिव है, तो आंसर में आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे. अब जब साइन डिफरेंट होंगे, व्हेन साइन आर डिफरेंट, जब भी साइन डिफरेंट होंगे तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, नॉट वैलिड या नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा. जब भी आपके जो नंबर दे रखे हैं उनके बीच का अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो उन दोनों के अगर साइन अलग अलग है, मींस एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर. तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, मींस गिवन नंबर जैसे ए और बी के बीच में क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ ए एंड बी. ठीक है, दो नंबर के बीच का होगा तो स्केयर रूट लेना है, तीन नंबर दे रखे हैं उनका बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर. उसी तरह मैंने एन का भी बताया था कि nth रूट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर जो भी हैं आपके. फिर मैंने कहा कि क्या कहा था कि आपको सिर्फ स्केयर रूट तक ही जाना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, मीन जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा का है उसमें सिर्फ आपका स्केयर रूट ही यूज हो रहा है, मीन दो नंबर के बीच का ही आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है.
तो उसी के कॉन्सेप्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मुझे फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 4, अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 9 एंड 4 तो वो क्या होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a * b, a कितना है 9 है और b कितना है 4 है, तो 9 * 4 कितने हो गए आपके 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितने होते हैं हमारे 6 के बराबर, इज दैट क्लियर। अब उसी तरह अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो मुझे दो अलग नंबर जिनके साइन क्या है नेगेटिव है, साइन सेम होने जरूरी है, अगर साइन सेम नहीं है दोनों नंबर्स का तो ज्योमेट्रिक मीन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर साइन नेगेटिव आ जाते हैं दोनों नंबर्स के तो आप स्क्वायर रूट वैसे ही निकालेंगे जैसे आपका फॉर्मूले में, बट आंसर के साथ क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन, इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड जो है आपका सब टॉपिक कह लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंसर्शन ऑफ या इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं ऐसे ही हमारे को क्वेश्चन आते हैं कि इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर जो हमारे को दो नंबर, या इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे सेम क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक मीन में भी करे थे, ठीक है। मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन इसलिए लिया क्योंकि ये आपका एक तरह से जनरल जो भी प्रोसीजर मैं इसमें बताऊंगा वो जनरल फॉर्म होगी, ठीक है, जनरल प्रोसीजर हम कैसे सॉल्व करेंगे मतलब ऐसे क्वेश्चंस को। अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एन ज्योमेट्रिक मीन्स तो मैं उनको सपोज कर लेता हूँ, लेट जी वन जी टू जी थ्री अप टू सो ऑन जी एन, लेट जी वन जी टू जी थ्री और जी एन क्या है हमारे पास बी एन ज्योमेट्रिक मीन, बी एन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, कितने हैं वो एन ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन है और किसके बीच में है बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मैंने इंसर्ट करने हैं एन ज्योमेट्रिक मीन, और वो एन ज्योमेट्रिक मीन मैंने क्या माने जी वन जी टू जी थ्री अप टू सो ऑन जी एन। अब इसके बाद मैं उनको इंसर्ट करूंगा, ए और बी के अंदर इंसर्ट करना, तो सबसे पहले ए आएगा फिर जी वन फिर जी टू फिर जी थ्री अप टू सो ऑन फिर जी एन फिर लास्ट में बी, इंसर्ट कर दिया उनको मैंने जो ज्योमेट्रिक मैंने माने थे ज्योमेट्रिक मीन जी वन जी टू जी थ्री और जी एन उनको इंसर्ट कर दिया इन बिटवीन कितने किसके बीच में ए और बी के बीच में। अब यहां पे आप देखो टोटल टर्म्स कितनी हो गई हैं, बताइए टोटल टर्म्स कितनी हो गई आपकी, यहां टोटल टर्म आप देखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू एन, एन टर्म्स तो यही होगी जो बीच में मैंने इंसर्ट करी है, बाकी साइड में एक और है और एक आगे है एक मतलब लास्ट में है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी एन प्लस टू, इतनी टर्म्स ही होंगी इसमें सीरीज में। और ये जो एन टर्म्स जो हमारे पास यहां दे रखी है ये क्या बना रही है आपकी, देखिए ज्योमेट्रिक मीन मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो ये क्या होगी एक जीपी होगी, क्या होगी एक जीपी होगी। इंसर्ट करने के बाद टोटल टर्म्स कितनी आएंगी आपकी, जितने आप इंसर्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन उसमें प्लस टू कर देना, अगर आप फाइव इंसर्ट करते हैं तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि दो नंबर वो ऐड होंगे सीरीज के सीक्वेंस में फॉर सीक्वेंस में, टोटल नंबर आप टोटल टर्म्स कितनी होगी एन प्लस टू। आफ्टर दैट मैंने क्या कहा कि ये क्या है, ये क्या है बनेगी एक जीपी सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा जीपी सीक्वेंस। अब इसी जीपी सीक्वेंस में मैं कैसे जी वन जी टू और जी थ्री और जी एन की वैल्यू निकालता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे अगला जो आपका स्टेप है, ठीक है, टोटल टर्म्स एन प्लस टू हो गई आपकी, एन प्लस टू होने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो लास्ट टर्म देखी क्या है, लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है बी, ये बी टर्म की थिंकिंग क्या होगी, ये होगी मतलब टी ऑफ एन प्लस टू, यही होगा टी ऑफ एन प्लस टू। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये होगी टी वन, सेकेंड टर्म क्या होगी जो हमारी जी वन है, थर्ड टर्म क्या होगी जो हमारी जी टू है, और फोर्थ टर्म क्या होगी जो हमारे पास जी थ्री है, ठीक है। इस तरह आपने डिडक्शन जैसे हम एपी अर्थमेटिक मीन में करते थे वैसे ही आपने कर लेनी है। तो यहां पे टी एन प्लस टू कितना हुआ बी, और जी एन कितना होगा टी एन प्लस वन, ध्यान से देखना सिक्वेंस में,
जो जी वन है वो टर्म टू बन जाती है, जो जी टू है वो टर्म थ्री बन जाती है, क्योंकि ए हम स्टार्टिंग में इंसर्ट उसके बीच में हमने इंसर्ट कराई। और भी आफ्टर डैट जब आपने लास्ट वाली टर्म को क्या बना दिया, टी ऑफ एन प्लस टू, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है, एन प्लस टू है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, एन प्लस टू ही होगी। अब इसके बाद कहने का मतलब क्या है, टी ऑफ एन प्लस टू हमारे पास क्या है, बी के बराबर है। ठीक है, टी ऑफ एन प्लस टू क्या है हमारे पास, बी के बराबर है। ठीक है, अब टी ऑफ एन प्लस टू बी के बराबर है, और ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा है, जीपी सीक्वेंस है। तो जीपी सीक्वेंस का जो एन वाला फॉर्मूला होता है, टी एन वाला फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला यहां लगाते हैं, ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये होता था टी एन का फॉर्मूला, क्या होता था हमारा जीपी का, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। जो हमारे टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस कर देते थे बस। ठीक है, तो ए आर एन प्लस टू था, तो क्या यहां बन गया, एक माइनस करा एन प्लस टू से, तो वो क्या बन गया, एन प्लस वन। तो हमारे पास ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन कितना आ गया, बी आ गया। आफ्टर डैट अभी हम देखिए इन सब की वैल्यू निकालेंगे, जी वन हो, जी टू हो, जी थ्री, जी फोर, जी एन। अब इसके बाद देखिए ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन, आर की पावर एन प्लस वन को मैंने यही रखा, और यहां ए को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहां ले आया, डिनोमिनेटर में, ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसके बाद अगर मुझे जी वन, जी टू, जी थ्री की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो है ए, बट मेरे पास क्या चाहिए होता है, अगर टर्म्स जीपी में टर्म्स की वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू, आर मीन्स कॉमन रेशियो की वैल्यू, तो मैं कॉमन रेशियो की वैल्यू यहां से निकालूंगा, आर आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए की पावर वन बाय एन प्लस वन। इज दैट क्लियर, वन प्लस एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन तो आपको पता होगा, अगर आर स्क्वायर मेरा बराबर है बी के, तो आर कितना होगा, बी की पावर वन बाय टू। ऐसे ही करते हैं हम, अगर आर स्क्वायर मेरा बी के बराबर है तो आर किसके बराबर होगा, बी की पावर वन बाय टू। उसी तरह अगर आर की पावर एन प्लस वन है तो आर किसके बराबर, सॉरी, आर की पावर एन प्लस वन अगर हमारी इक्वल है बी अपॉन ए के, तो आर किसके इक्वल होगा, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद ये आ गई आपके पास आर की वैल्यू, आर मीन्स कॉमन रेशो। एक्चुअल में क्या है, मुझे फाइंड क्या करना है, जी वन, जी टू, जी थ्री, अप टू सोन कहां तक, जी एन तक। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए और आर की वैल्यू चाहिए, मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए। जी वन क्या था मेरे पास, टर्म टू थी, जी टू क्या था मेरे पास, टर्म थ्री थी, जी थ्री क्या था, टर्म फोर थी, और जी एन क्या था मेरे पास, टर्म एन प्लस वन थी। ठीक है, आर की वैल्यू नोट कर ली, चलिए बढ़ते हैं, फर्स्टली निकालते हैं जी की वैल्यू, जी वन की वैल्यू। हाँ जी, अगर मुझे जी वन की वैल्यू निकालनी, जी वन एक्चुअल में है क्या, टर्म टू। टर्म टू को मैं कैसे लिख सकता हूं जीपी के फॉर्मूले में, इन टर्म्स ऑफ जीपी, ए इंटू आर की पावर वन, जो टर्म हम निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, तो आर की पावर क्या बन जाती थी, वन। ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, ए ही है हमारे पास, उसको ऐसे रखिए। आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आर की वैल्यू थी बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, होल पावर वन, यही थी आर की वैल्यू, जो मैंने लास्ट स्क्रीन पर दिखाई थी आपको, बी अपॉन ए की होल पावर कितनी, वन अपॉन एन प्लस वन, और यहां कितना है, वन। और याद रखिए, जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे, इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन या फोर ज्योमेट्रिक मीन, आर याद रख लीजिए, आर यही होगा, ये लास्ट वाला नंबर, ये पहले वाला नंबर, और पावर कितनी होगी, वन अपॉन एन प्लस वन। एन क्या होगा, जितने आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, आर वहां से निकलेगा आपका। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बना आपके पास ए बी की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, और ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। चाहे तो आप इसको याद रखिए, इसको ही फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि अगर सॉल्व करने के चक्कर में जाएंगे, जनरल फॉर्म कर रहे हैं, असली फॉर्म हम तब करेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यही आपकी जीवन, ये आ गई आपका
G1, ठीक है। इसी तरह जब G2 निकालेंगे, G2 क्या होगा, टर्म 3 होगी, और टर्म 3 में क्या होगा, AR2, A इंटू आर की पावर 2, A इंटू आर की पावर अगर 2 होगी तो A कितना है, A तो A ही है, मतलब फर्स्ट टर्म यही है, और ये कितना बन जाएगा, BA की पावर 1/n+1, और बाहर स्केयर यही होगा R का स्केयर, क्लियर। ज्यादा इकट्ठा करना लास्ट स्टेप में, तो 2 यहां लिख के 2/n+1 कर दीजिए पावर में, आपका लग जाए। इसी तरह आप G3 निकालेंगे, तो आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां पावर 1 थी, यहां पावर 2 थी, G3 में पावर कितनी होगी, 3 होगी, G3 में पावर कितनी होगी, 3 होगी, यही होगा आपके पास G3, इज दैट क्लियर। इसी तरह जब आप n निकालेंगे, मतलब gn निकालेंगे, तो आपके पास gn में क्या बन जाएगा, बताइए gn में क्या होगा, आपके पास gn में हमारे पास क्या आएगा, जहां पे ये 3 है वहां आपका आपका क्या आ जाएगा, n, क्लियर। तो आपका gn भी लिख देते हैं, gn हमारे पास क्या होगा, gn इज इक्वल टू होगा हमारे पास a इंटू b/a की पावर n/n+1, यहां मैंने पावर थोड़ी इकट्ठी करके ली थी, ये आपका जीएन होगा, इफ दैट क्लियर। सिर्फ आपको मेरा यहां मतलब ये जो एम था, मतलब ये टॉपिक करवाने का, कि आप कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे जब आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये नोट कर लीजिएगा आप पहले, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट करिए 5 ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट करिए 5 ज्योमेट्रिक मीन पांच ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन 576 एंड 9, 576 और 9 के बीच में आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम जैसा मैंने वो प्रोसीजर कहा था वैसे फॉलो करना, लेट 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, तो उनको मान लीजिए G1, G2, G3, G4 और G5, G1, G2, G3, G4, G5 क्या है हमारे पास, B5 ज्योमेट्रिक मीन, B5 ज्योमेट्रिक मीन क्या है, वो हमारे पास 5 ज्योमेट्रिक मीन है, क्या है, 5 ज्योमेट्रिक मीन है। अब इनको इंसर्ट करके बताइए, पहला नंबर क्या है 576, दूसरा लास्ट वाला कितना है 9, इसके बीच में आपने ये नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन लिख दें, G1, G2, G3, G4 और G5, उसके बाद 9 लिख देना, क्लियर, ठीक है। यही बोला था हमारे को इंसर्ट करने हैं 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने किसके बीच में, 576 और 9 के बीच में। अब हमें G1, G2, G3, G4 और G5 की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले वही एरो मेथड, ये आपका क्या हो गया टर्म 1, मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब A की वैल्यू हो गई, G1 क्या हो गया डेट इज अ टर्म 2, G2 क्या हो गया टर्म 3, G3 क्या हो गया टर्म 4, G4 क्या हो गया टर्म 5, G5 क्या हो गया टर्म 6 और 9 क्या हो जाएगा आपका टर्म 7, मतलब जो 9 है, ठीक है, मतलब जो टर्म 7 है वो आपकी कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 9 है, ठीक है। आफ्टर दैट जब आपने टर्म पुट कर दी, अगर मुझे G1 निकालना है, मतलब टर्म 2 निकालनी है, मेरे पास A की वैल्यू तो है बट मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, R की, R मीन्स कॉमन रेशियो की वैल्यू नहीं है, R का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बस वो फॉर्मूला आपने यहां अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए R फाइंड करते हैं, R क्या होगा आपका, R होगा हमारे पास क्या था, B/A की पावर 1/n+1, B/A की पावर 1/n+1, ठीक है। B कितना है, B जो लास्ट वाला नंबर होगा 9, और A कितना है 576 जो पहला नंबर होगा। अब 1/n+1, 1/n+1 मींस n मतलब क्या होगा, जितने ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करें, ठीक है, वो क्वेश्चन में ये मान लो 5 बोला गया है यहां, तो n की वैल्यू भी क्या होगी 5, 1/5
5 plus 1 ये क्या होगा हमारे पास n जियोमेट्रिक मीन सॉरी पावर बनेगी। अब ये हमारे पास कॉमन रेशियो को सॉल्व कर दीजिए क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या बताया मैंने आपको r कितना आ रहा है 9/570 इसको देखिए डिवाइड हो रहा है 9 1 जा 9 6 54 एंड 36 9 4 36 मतलब ये आ गया 1/64 1/64 की पावर। अब यहाँ पावर में क्या था 1/n+1 था 1/n+1 मीन n कितना है मतलब 5 है ना तो 5 + 1 कितना हुआ 6 तो ये आ गया 1/6 ठीक है। तो यहां से अभी हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r कितना आ गया आपका 1/64 को क्या लिख सकता हूं मैं 2/6 ठीक है 64 को लिख सकता हूं ना मैं 2^6 पावर वही बनानी है जो आपके यहां देख ली यहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और 2^6 क्या होती है हमारे पास 64 होता है। तो r कितना आ जाएगा r आ जाएगा आपके पास 1/2^6 और होल पावर कितनी है 1/6 सिक्स से सिक्स कैंसल हो गया बचा गया आपके पास 1/2 बचा कितना 1/2 इज दैट क्लियर। आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1/2। चलिए ये तो था आर वाला मेथड आपको मतलब कॉमन रेशियो फाइंड करने का। अब आते हैं टर्म्स मीन g1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले g1 को मैंने उस एरो में क्या लिखा था टर्म टू लिखा था टर्म वाला फॉर्मूला लगाया जीपी का क्या बनता है a into r ठीक है a into r a कितना है जी हमारे पास 576 है जी एंड व्हाट इज योर r r हमारा कितना है 1/2 बस आपका g1 आ गया 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना बना आपका 2 17 8 8 288 इज योर g1 ठीक है। पहला ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना आया 288 इज दैट क्लियर। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे G2 निकालेंगे। G2 निकालने के लिए क्या होगा बस R की वैल्यू याद रखिएगा कितनी आई है 1/2 G2 जब आप निकालेंगे G2 को मैंने वहां एरो में क्या कौन सी टर्म आई थी वो टर्म 3 आई थी। टर्म 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं AR² क्या लिख सकता हूं AR² A कितना है 576 और आर स्केयर मतलब 1/2 का स्केयर 1/2 का स्केयर कितना होता है 1/4 अब 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड करिए 576 को कितना होता है 4 × 4 17 4 × 4 16 and 4 144 तो g1 हमारे पास आ गया है यहां लिख देते हैं g1 आ गया आपके पास 288 g2 आ गया आपके पास 144 ठीक है। इसी तरह आप g3 निकालते हैं G3 वाली कौन सी टर्म बन रही थी टर्म 4 बन रही थी अगर वो G3 आपकी टर्म 4 बन रही थी तो टर्म 4 मीन्स a into r की पावर 3 मीन्स पुट करिए वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 576 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r r की वैल्यू कितनी है 1/2 का क्यूब आर क्यूब है ना वहां पे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 576 अपॉन 1/2 की पावर अगर क्यूब करें तो कितना बनता है 1/8। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको 8 7 56 एंड 16 17 ठीक है। तो G3 कितना आ गया आपके पास 72। ऐसे हमने कितने फाइंड करने हैं हमें ऐसे फाइंड करने G5 तक फाइंड करने हाँ जी। चलिए निकालिए अब G4 क्या बन रहा था आपकी टर्म नंबर फाइव मीन्स a into r की पावर 4 व्हाट इज योर a हमारे पास कितना है 576 r कितना है 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 मीन्स 576 इंटू 1/16 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी गेट 36 कितना आ जाएगा हमारे पास 36 तो G4 कितना आ गया आपके पास 36 आ गया। इसी तरह जब आप G5 निकालेंगे
देन यू विल सी कि G5 जो हमारे पास आएगा वो कितनी टर्म है आपके पास, टर्म 6 है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। ठीक है जी, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। G4 कितना आ गया 36 और G5 कितना आ गया आपके पास 18। तो ये पांच ज्योमेट्रिक मीन थे जो हमारे इंसर्ट होंगे बिटवीन 576 और 9 के बीच में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है क्वेश्चन, बस आपको R की वैल्यू मस्ट है। सबसे पहले उसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, मीन्स आपको लास्ट टर्म जैसे 9 है वहां जाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए R का। R इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, बी अपॉन ए, मतलब जो लास्ट नंबर है और अपॉन में जो पहला नंबर है, होल उनकी पावर कितनी, 1 अपॉन n+1। और n क्या होगा, जितने आपने ज्योमेट्रिक मीन उन दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने हैं वही आपकी वैल्यू होगी n की। वहां से r की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट जो एरो मेथड मैंने आपको बताया कि G2 कौन सी टर्म आ रही है, T3 आ रही है, T4 आ रही है, वो आप सीधा लिखिए और सॉल्व कीजिए, टर्म का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करते रहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, लास्ट में लिख दीजिएगा। हैंस 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर, दीज आर द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, ओके, दैट आर इंसर्ट बिटवीन 576 एंड 9। प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इंसर्ट करिए 6 ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन, 6 ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन किसके बीच में, 27 एंड 1 अपॉन 81। ठीक है जी, 27 और 1/81 के बीच में हमने क्या करने हैं, 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, 27 और 1 अपॉन 81, 27 क्या हो गया ए हो गया और 1 अपॉन 81 क्या हो गया बी हो गया। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है, G6 भी लेना है आपने, 6 ज्योमेट्रिक मीन है तो 6 आप मानेंगे, G1, G2, G3, G4, G5 और G6 क्या है आपके पास, B6 ज्योमेट्रिक मीन, क्या हमारे पास 6 ज्योमेट्रिक मीन है। इज दैट क्लियर? अब इंसर्ट करते हैं उनको, पहला नंबर कितना है 27 और दूसरा लास्ट वाला नंबर कितना है हमारे पास 1 अपॉन 81। तो 27 के बाद क्या है, G1, देन G2, फिर G3, फिर G4, फिर G5 और फिर G6, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 81। तो टर्म वन क्या बनी, मतलब वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, 27 होगी। टर्म वन मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू निकल जाती है। G1 क्या बना आपका, टर्म टू। 6 ज्योमेट्रिक मीन अगर आपने बीच में डाले हैं तो साइड में एक टर्म है और लास्ट में एक टर्म है, टोटल टर्म्स कितनी होगी, 6+2 8 टर्म्स होगी टोटल। तो ये आ गया आपका टर्म टू, ये आ गया आपका टर्म थ्री, दैट इज योर टर्म फोर, दैट इज योर टर्म फाइव, एंड दैट इज योर टर्म सिक्स, दैट इज योर टर्म सेवन, एंड दैट इज योर टर्म 8। ठीक है जी, इसके बाद का स्टेप क्या होता था हमारे पास, कि ये जो क्या है आपके पास, एक जीपी सीक्वेंस है, क्या है, जीपी है। तो इसका कॉमन रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, R इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। तो सबसे पहले हम R फाइंड करेंगे, और यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 6। कितनी है, 6। चलिए R की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ R क्या होगा हमारे पास, बी अपॉन ए की पावर 1/n+1, बी अपॉन ए की पावर
1 by n plus 1. What is the value of b? b की value कितनी है? 1 upon 81. b यही आपके पास, a कितना है? a है जी हमारे पास 27. और टोटल पावर कितनी है? 1 by n कितना है यहाँ पे? कितने ज्योमेट्रिक में आप इंसर्ट कर रहे हैं? 6. तो n भी कितना हुआ? 6. 6 plus 1. मतलब जो टोटल होगा सॉल्व करके आएगा 181 भी नीचे आ गया, 27 भी नीचे आ गया, और होल पावर क्या बन गई? 1/7. इज दैट क्लियर? 81 आपका मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 1/81 × 27 आ गया, और पावर में क्या बन गया था आपके पास? 1/27. आफ्टर दैट अब मुझे इनका जो मल्टीपल है 81 और 27 का कुछ ऐसा बनाना है कि मेरे पास पावर कितनी आ जाए? 7 आ जाए. तो मैं ये जानता हूँ कि 81 और 27 अगर इनके अलग अलग फैक्टर करूँ 3 के साथ, वो 3 के फैक्टर 9, तो ये बन जाते 3 के फैक्टर 4 और ये बन जाते 3 के फैक्टर 3 की पावर 1/7. ठीक है, बेस सेम है, नीचे वाला पावर ऐड कर दीजिए तो कितना बना? 1/3 की पावर 7, होल पावर 7, 1/7 सॉरी, होल पावर 1/7. ठीक है, बेस सेम पावर ऐड कर दी तो क्या बन गया? 1/3 की पावर 7, और होल पावर कितनी है? 1/7. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 की पावर 7 और होल पावर कितनी है? 1/7. अब 7 और ये 1/7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो बचेगा क्या आपके पास? मीन्स आर कितना आ गया आपके पास? 1/3. ठीक है जी, और ए कितना था हमारे पास? ए की वैल्यू थी हमारे पास 27. ठीक है, आर आ गया आपके पास 1/3 और ए कितना हमारे पास? 27. हमें फाइंड क्या करना है? G1, G2, G3, G4, G5 और G6, ये सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे. चलिए, ए और आर की वैल्यू आ गई है तो सबसे स्टार्ट करते हैं पहले G1 की वैल्यू. किसकी वैल्यू? G1 की. हाँ जी, R की वैल्यू 1/3, A की वैल्यू 27. हाँ जी, G1 क्या था हमारे पास जो हमने एरो लगाए थे? G1 था हमारे पास टर्म 2. G1 क्या था? टर्म 2. टर्म 2 को हम GP में कैसे लिखते हैं? A × R. टर्म 2 है तो R की पावर क्या आएगी? 2 − 1 = 1. A की वैल्यू पुट कीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 27 जी. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? दैट इज 1/3, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है? 9. तो G1 कितना आ रहा है आपके पास? 9. 27/3 क्या होगा आपका? 9. ठीक है, 3 × 9 = 27 होते हैं. अब निकालेंगे G2. G2 means term 3. G2 क्या है? Term 3 है. Term 3 means क्या बनेगा? A dot R square. What is A? A is your 27 and what is R? R is your 1/3 और साथ में क्या है? Square. तो अगर इसको एक्यूरेट वे में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 27 × 1/9. 27 × 1/9 कितना होता है हमारे पास? 3. मतलब हमारे पास G2 कितना आ गया? 3 के इक्वल आ गया. इज दैट क्लियर? देख लीजिए कैलकुलेशन ओके है. नाउ वी विल फाइंड G3. क्या फाइंड करेंगे? G3. हाँ जी, G3 क्या होगा आपके पास? क्या था G3 एरो में? T4 को हम क्या लिख सकते हैं? A dot R cube. क्या लिख सकते हैं? A dot R cube. देख लीजिए, आपको दिख रहा है वहां पे √3. A dot R cube means A आपका 27 है, but what is your R cube? R cube मतलब 1/3 का क्यूब, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है? 27 upon 27 × 1/27, जो कि सॉल्व करके आ गया 1. G3 कितना आ रहा है हमारे पास? 1. इज दैट क्लियर? G3 आ गया 1. अब G3 1 आने के बाद हम क्या करेंगे? G4 फाइंड करेंगे. G4 मतलब टर्म 5. टर्म 5 मतलब A dot R की पावर 4. A dot R की पावर 4. व्हाट इज योर A? A is 27 एंड व्हाट इज द R? 1/3 की पावर कितने बनी? 4. 1/3 की पावर 4 मीन्स क्या होगा आपके पास? 27/81 आ जाएगा. ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 27/81. और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3. मीन G4 कितना आ रहा है हमारे पास? 1/3.
इज दैट क्लियर? अब इसी तरह इन अ सिमिलर वे हम क्या फाइंड करेंगे, G5 क्या थी एरो में, T6 मींस a dot r की पावर 5 मींस 27 into a की वैल्यू 27 है, r की वैल्यू डालिए 1/3 की पावर 5। आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये कितना बचेगा, 1/9। इज दैट क्लियर? ठीक है, चाहे 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब और यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 5। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 की पावर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 1/9। इसी तरह आप अगर G6 फाइंड करेंगे तो G6 आपके पास क्या होगा, बाय एरो डेट इज योर टर्म 7। क्या होगी बाय एरो, टर्म 7 मीन्स a dot r की पावर 6 और हमारा ये सॉल्व करके बन जाएगा 1/27। इज दैट क्लियर? G5 आ गया था 1/9, G6 कितना आ गया 1/7। तो ये होंगे वो 6 हमारे ज्योमेट्रिक मीन जो हम इंसर्ट करेंगे बिटवीन 27 एंड 1/81। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इनको। ओके नाउ अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए बिल्कुल सेम एज इट इज। तो क्वेश्चन है आपके पास, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों, डू इट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 and 1/4। 16 और 1/4 के बीच में आपने कितने इंसर्ट करने हैं, 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। एंड द सेकंड वन इज इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन 32/9 एंड 81/4। 82/9 and 81/2। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के लिए करने हैं, ठीक है जी। और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इनको और जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।